तो मैं बताऊंगा कि डिजिटल होता क्या है। दोस्तों आप लोग यूज करते हैं मोबाइल और आप लोग यूज करते हैं डिजिटल पेमेंट्स, पेटीएम हो या यूपीआई ऐप हो, सारे डिजिटल पेमेंट्स है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिजिटल जो शब्द है इसका मतलब क्या है, हिंदी में परिभाषा बताऊंगा जो कि जिंदगी भर याद रहेगी। एक लाइन का परिभाषा बताऊंगा, एक लाइन का डेफिनेशन बताऊंगा जो कि जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना ही आसान भाषा में मैं डिजिटल शब्द को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आजकल आप लोग वाकिफ होंगे डिजिटल इंडिया, जो कि मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था कि इंडिया बनेगा डिजिटल। डिजिटल सिग्नेचर हो रहे हैं, डिजिटल घड़ी आप लोग यूज कर रहे हैं, जो पहले कांटा वाला होता था उसकी जगह आप नंबर वाला यूज करते हैं, यानी डिजिटल वॉच यूज कर रहे हैं, डिजिटल कैमरा यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले रील वाला कैमरा आता था, आजकल ऐसा कैमरा आता है कि फोटो खींचिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिलीट कर दीजिए। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, डिजिटल जो कैमरा नहीं होता था पुराने जमाने में, रील खराब हो जाती थी, अगर हिल गई फोटो तो वो रील खराब हो जाती है थी। लेकिन अभी डिजिटल कैमरा आ गया, डिजिटल कंप्यूटर आप लोग यूज कर रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका बुखार हुआ है, कोरोना वायरस हुआ है, तो आपका बुखार का मेजरमेंट होता है। तो पहले क्या होता था कि एक निडल जैसा होती थी, बार बार उसको झाड़ते थे, फिर वो देखते थे ऐसा ऐसा करके कितना टेम्परेचर हुआ। लेकिन अभी क्या होता है कि उसमें नंबर दिखा देता है कि आपका 94 है, 100 है, 104 डिग्री बुखार है कि 105 डिग्री बुखार है। तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया, डिजिटल दुनिया हो गई है, डिजिटल पेन भी हो गया। आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें डिजिटल पेन से लिखा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सबसे ज्यादा जो फेमस शब्द है आजकल वो है डिजिटल मार्केटिंग। चाहे वो नेता लो अपना वोट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या कोई प्रोडक्ट जैसे रेडमी मोबाइल जो है वो मार्केटिंग कर रही होगी अपना मोबाइल फोन बेचने के लिए। डिजिटल पेमेंट्स जैसे आप लोग पेटीएम से करते हैं, यूपीआई ऐप से करते हैं, बहुत सारे के ऐप्स हैं जो कि आप लोग पेमेंट करते हैं। डिजिटल एजुकेशन, पढ़ाई डिजिटली हो रही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, डिजिटल बोर्ड जिस पे लिखा जाता है और तुरंत मिट जाता है एक बटन से, डिजिटल बुक्स भी आ गई हैं आजकल, जिसको कहते हैं कौन सा बुक करते हैं, मैक बुक में आता है डिजिटल, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, या कोई भी बुक आजकल परचेज करते हैं अमेजन पे तो उसमें डिजिटली भी आप परचेस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं किंडल, किंडल यानी डिजिटल बुक। डिजिटल मशीन है आजकल, पहले क्या होता था हाथ से घुमा के मशीन को स्टार्ट किया जाता था, आजकल सेल्फ स्टार्टिंग बाइक आ गई कि बटन क्लिक कीजिए मशीन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहले पैर से मार मार के पसीने बहा के आपको बाइक को स्टार्ट करनी पड़ती थी। डिजिटल टीवी आ गया है, पहले टीवी इतना बड़ा आता था डब्बा, लेकिन आजकल इतना कॉम्पैक्ट आ रहा है, इतना स्लिम आ रहा है, इतना पतला डिजिटल टीवी आ रहा है। डिजिटल म्यूजिक, म्यूजिक भी डिजिटल हो गया है, डिजिटल फिल्म। तो दोस्तों ये डिजिटल शब्द है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा एग्जांपल है, पहले इस टाइप के बाइक आप लोग देखते थे तो ये कांटा वाला सुई जो होता था उससे आप लोग देखते थे कि कितना स्पीड से बाइक चल रही है, 40 की स्पीड चल रही है कि 50 की स्पीड चल रही है कि 60 की स्पीड चल रही है, दोनों के बीच में रहता था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता था कि 55 चल रहा है या 58 चल रहा है कि 57। अगर 55, 57, 58 देखना हो तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एक ही रीडिंग को दो लोग अलग अलग तरीके से देख लेंगे, किसी को 58 दिखेगा, किसी को 57 दिखेगा। लेकिन ये डिजिटल में अगर 57 है तो सभी को 57 दिखेगा, 58 है तो सभी को 57, 58 जो भी है, जिसको 58 है 58 ही दिखेगा। अगर ये 120 स्पीड है तो सभी को, आपको भी, मुझे और दूसरे तीसरे किसी और को भी दिखाइएगा तो इतना ही दिखेगा, लेकिन इसमें गड़बड़ी हो सकती है देखने में। तो आजकल डिजिटल बाइक में मीटर आ गया है कि कितनी स्पीड चल रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और डिजिटल होता क्या है, एक लाइन की परिभाषा बताऊँगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरे यूट्यूब में मैंने सर्च किया था नहीं मिला था, इसलिए मैं सोचा था कि आपको इतने अच्छे से ट्रेनिंग दे दूं कि जिंदगी भर याद रहे। तो दोस्तों डिजिटल जो है, डिजिटल 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 जो शब्द है वो आया है डिजिट से, डिजिट डिजिट वाला को बोलते हैं डिजिटल। अब डिजिट क्या होता है दोस्तों, डिजिट जो होता है वो होता है नंबर, तो नंबर वाला को हम लोग बोलेंगे डिजिटल। अब नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, ये वाला
चीज को डिजिटल बोलेंगे, यानी जिसमें नंबर हो, जैसे घड़ी में आपका 10 बजा है, 12 बजा है, डिजिटल जो घड़ी होती है उसमें नंबर ही आता है। पहले जो घड़ी जो आती थी वो कांटे वाली घड़ी आती थी, ये चलती थी कांटे वाली घड़ी, लेकिन आजकल ये अरे डिजिट वाला, जैसे 10:05 का ऐसे लिख के आता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं डिजिटल घड़ी। तो नंबर वाले को ही डिजिटल बोलते हैं। इसको बहुत आसान परिभाषा लेके आया हूँ जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों? तकनीक। टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो कि सिर्फ दो डिजिट 0.1, 0 के बाद .1, 0.1 पर काम करता है। बहुत आसान परिभाषा है, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आप जब भी डिजिट की बात हो जाए तो आप बोलिएगा डिजिट वाला। डिजिट वाला मतलब नंबर वाला, उसको डिजिटल बोलते हैं। और आम परिभाषा में अगर कोई बोले परिभाषा बताइए, परिभाषा जैसे एग्जाम में या इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ ले, तो परिभाषा यही है कि डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जो कि सिर्फ 2 digit 0.1 पर काम करता है। यानी डिजिटल वो है, अगर एक लाइन की भाषा में बोले तो डिजिटल वो सिस्टम है जो 0.1 पर काम करता है। डिजिटल वो सिस्टम है जो कि 0.1 पे काम करता है। आसान भाषा है। जिंदगी भर कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपके परिवार वाले पूछ ले आपसे, आपके ससुराल वाले पूछ ले, आपके रिश्तेदार वाले पूछ ले, तो यही बताइएगा कि जो डिजिटल है वो सिस्टम है जो 0.1 पे काम करता है। या और ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो ये बताइएगा कि डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ 2 digit पर काम करता है। डिजिट मतलब डिजिटल, मतलब डिजिट वाला, डिजिट वाला मतलब नंबर वाला, नंबर वाला मतलब 0, 1, 2, 3। तो डिजिटल मतलब 4-5 digit में, लेकिन डिजिटल जो सिस्टम आजकल यूज होते हैं परिभाषा के रूप में, उसका परिभाषा यही है कि डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। डिजिटल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ 0.1 पे काम करता है। डिजिटल वो सिस्टम है जो 0.1 पे काम करता है। सबसे आसान डेफिनेशन ये है जो कि जिंदगी भर आपको काम देगा। डिजिटल जो है वो सिस्टम है जो कि 0.1 पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। अब 0.1 क्या होता है दोस्तों? 0.1 मैं आपको दिखाता हूं 0.1 क्या होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में ASCII एक कोड होता है। इस कोड में 7 digit में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को अगर आप ए लिखते हैं तो कंप्यूटर को 100001 भाषा जाता है तो वो ए समझता है। यानी आपको ए दिखता है लेकिन उसके अंदर में ये ए बराबर होता है। जब आप बी एंटर करते हैं कीबोर्ड से तो कीबोर्ड से ये नंबर जाता है। अगर आप 1 लिखते हैं तो ये कोड जाता है, 2 लिखते हैं तो ये कोड होता है। यानी कुछ भी लिखना है कंप्यूटर में तो सारा 0101 की भाषा में कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर ना ABCD समझता है, कंप्यूटर ना 1 2 3 4 5 6 समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0.1 समझता है। या 0 समझेगा या 1 समझेगा। अब ये 0.1 का कंसेप्ट क्या है? 0 कंसेप्ट को हम लोग बोल सकते हैं हाई या लो। हम 1 को हाई बोलते हैं, 0 को लो बोल देते हैं, ठीक है? या हम इसको क्या कह सकते हैं, हाई लो की जगह हम ये कह सकते हैं कि 1 को यस बोला जाए, ठीक है, और 0 को नो बोला जाए। या हम 1 को ऑन बोल सकते हैं, 0 को हम ऑफ बोल सकते हैं, राइट? या इसको आप पॉजिटिव बोल सकते हैं,
इसको नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं और इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, इसको नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं, राइट। तो हाई को एक भी बोल सकते हैं, हाई को यस भी बोल सकते हैं, हाई को ऑन भी बोल सकते हैं, हाई को नॉन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, लो को जीरो भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, ऑफ भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है या तो जीरो समझेगा या एक समझेगा। कुछ भी आप लिखते हैं कंप्यूटर में, लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, फोटो भेजते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो या कोई मशीन हो, सारे मशीन जो है वो जीरो या वन में वो समझते हैं, यानी हाई या लो। जब भी कभी 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 आप बात करते हैं तो क्या होता है कि कोई पूछते हैं कि आप खाना खाए या नहीं खाए, तो आप बोलते हैं कि हाँ मैं वहाँ गया था, तो बोले ना ना ना, तुम यस नो में जवाब दो, यानी बाइनरी में जवाब दो, या खाना खाए हो या नहीं खाए हो, ये मत बोलो कि मैं वहां गया था, इधर उधर ड्रामे की बात नहीं। तो यस या नो में जवाब देना ही बाइनरी है। तो कंप्यूटर या आपके मोबाइल है या कोई भी डिजिटल सिस्टम है, सारे समझते हैं जीरो या वन की भाषा। वो ना मेरी भाषा समझते हैं, ना आपकी भाषा समझते हैं, ना हिंदी समझते हैं, ना उर्दू, ना इंग्लिश, ना पंजाबी, ना गुजराती, ना बंगाली, ना तमिल, ना तेलुगू, ना मलयालम, कोई भाषा नहीं समझते। वो सिर्फ यस या नो में समझते हैं, यानी हाई या लो या ऑन या ऑफ, यानी जीरो वन में ही कंप्यूटर समझता है, बाकी ए बी सी डी वो नहीं समझता। ए के लिए कोड ये होता है, एन के लिए कोड ये होता है, ओ के लिए कोड ये होता है, लेकिन सारा कोड जो है वो जीरो वन में ही कोड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैंने बताया कि डिजिटल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। और डिजिटल चाहे मार्केटिंग हो, डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, वॉच हो, कैमरा हो, कंप्यूटर हो, थर्मामीटर हो, वर्ल्ड हो, पेन हो, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फिल्म, म्यूजिक, टीवी, मशीन, बुक्स, बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स, कोरोना के अवसर पे, कोरोना के महामारी में सारे डिजिटल ही काम हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है सारी यूनिवर्सिटी में, मैं भी आपको ऑनलाइन वीडियो ही बना रहा हूँ। तो डिजिटल का परिभाषा यही है कि डिजिटल वो सिस्टम है जो कि 01 पे काम करता है। 01 मतलब यस या नो, या हाई या लो, या ऑन ऑफ, या कुछ भी, राइट। या हम इसको वोल्टेज में, जब कंप्यूटर समझता है तो 0 वोल्ट देते हैं तो उसको 0 समझता है, 5 वोल्ट देते हैं तो हाई समझता है। तो ये जितनी भी मैंने डिमार्केशन किया है, हाई, लो, 0, 1, यस, नो, ऑफ, पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, सारा एक ही है। यानी 0 वोल्ट को कंप्यूटर मानता है 0 और 5 वोल्ट को मानता है 1। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, 5 की जगह 10 भी 20 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर हमेशा 0, 1 की भाषा में समझता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत आसान आसान भाषा, दुनिया में जितने भी टर्म्स यूज़ होते हैं बहुत आसान भाषा में आपको डेफिनेशन परिभाषा बताने वाला हूँ, जो कि ज़िंदगी भर आपका काम आएगा, हमेशा याद रहेगा। अगर कठिन परिभाषा होगा तो आपको याद नहीं रहेगा, अगर आसान परिभाषा होगा तो आपको मरते दम तक याद रहेगा। तो हम इसी जोश एंड खरोश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।